रामविलास पासवान साल 1977 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे तो यहां उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत गुरबचन सिंह से हुई। सिंह और उनके तमाम साथी अफसर पासवान के मुरीद हो गए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी और घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान पहली बार रामविलास पासवान की गुरबचन सिंह की बेटी अविनाश कौर से मुलाकात हुई थी, जो उस समय ग्रेजुएशन की छात्रा थी। अविनाश कौर और रामविलास पासवान धीरे धीरे करीब आते गए और शादी का फैसला ले लिया। हालांकि रामविलास पासवान जब 7-8 साल के थे तभी उनकी राजकुमारी देवी से शादी हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। बाद में पासवान अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए और अविनाश कौर से शादी कर ली। कौर ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर रीना पासवान रख लिया। पेंगुइन प्रकाशन से हाल में ही आई पासवान की जीवनी रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष में प्रदीप श्रीवास्तव ने उनके निजी जीवन से जुड़े तमाम किस्से दिलचस्प अंदाज में लिखे हैं। प्रदीप श्रीवास्तव पासवान के हवाले से लिखते हैं कि शादी का प्रस्ताव किसकी तरफ से रखा गया यह तो याद नहीं है। शादी में सिर्फ एक अड़चन थी, वह थे रामविलास पासवान के माता और पिता। पासवान को डर था कि कहीं उन्हें दूसरी शादी की बात बताई तो वे नाराज हो जाएंगे। ऐसे में शादी की बात उन्हें बताई ही नहीं गई और शादी में शामिल भी उन्हें नहीं किया गया। बाद में थोड़ी नाराजगी रही, लेकिन शादी के करीब 2 साल बाद उन्होंने रीना को बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया था। दरअसल रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान की शादी का मौका आया तो रीना पासवान ने पहली बार बिहार में उनके पैतृक गाँव सहबन्नी जाना पड़ा। यह बिहार के दूर दराज के इलाके में स्थित ससुराल में उनकी पहली यात्रा थी। उस वक्त आवागमन का साधन इतना सुलभ नहीं था। रामविलास पासवान पत्नी रीना के साथ पहली बार खगड़िया पहुंचे और यहां से जीप से अलौली के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही जीप खराब हो गई। मजबूरन कई किलोमीटर पैदल चले और बाद में बैलगाड़ी की मदद से अपने पैतृक आवास तक पहुंचे थे। रीना पासवान याद करती हैं कि जब हम बैलगाड़ी से घर पहुंचे तो बाबूजी दरवाजे पर ही खड़े थे। मुझे बताया गया था कि बिहार में ससुर के पांव नहीं छूते हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी, झुककर बाबूजी के पांव छुए थे। उन्होंने सरसराती नजर से देखा और सिर्फ इतना पूछा, पहचानती हो मुझे, मैं कौन हूँ? मेरा जवाब सुनकर वे खुश हो गए थे। दूसरे दिन मैं उनके पास जाकर बैठी थी, कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। धीरे धीरे उनका गुस्सा पिघलने लगा। रीना पासवान याद करती हैं कि जब रामविलास पासवान के पिता यानी उनके ससुर की तबीयत खराब हुई और उन्हें दिल्ली लाया गया तब वो हमेशा उनके पास बैठी रहती थी, उनकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखती थी। वो कहती थी, बाबूजी मुझे मेम साहब कहकर बुलाया करते थे।